पुब्याक्लियान मुथी बेनिफिशियरी अनि पीएमएवाईजी बेनिफिशियरी पुब्याक्लियान मुथी अनि पुलल थांगलियान मुथी मिजोरम हैज अ टारगेट ऑफ 20,512 हाउसहोल्ड एंड रैंक फिफ्थ अमंग द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स इन द कंट्री दे एनएलयूएम दे एनएलयूएम beneficiary to Sari Self Help Group Ramlun South te ane PM Swanidhi beneficiary is Mrs Lal Limpui Aizol P Lal Limpui Aizol अब प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन हाउसिंग फॉर ऑल बेनिफिशियरी इज पी लल थानपुई हाउनार शी इज अ सिंगल मदर अर्न्स हर लिविंग बाय वर्किंग एज आंगनवाड़ी हेल्पर नाउ शी हैज अ हाउस ऑफ हर ओन बेनिफिशियरी दंगले चू मिस्टर सोलोमन मांग तिनथांग फुनचोंग प्रमाण पत्र वितरण के लिए माननीय श्री अमित शाह जी और हमारे डिग्निटरीज स्टेज में जो है उन सबको हम शुक्रिया अदा करते हुए अब मैं आदर से उनसे निवेदन करती हूं कि वे इस सभा को संबोधित करें आज के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित पुलल थांगलियान मुथी मिजोरम हैज अ टारगेट ऑफ 20,512 हाउसहोल्ड एंड रैंक फिफ्थ अमंग द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स इन द कंट्री दे एनएलयूएम दे एनएलयूएम beneficiary to Sari Self Help Group Ramlun South te ane PM Swanidhi beneficiary is Mrs Lal Limpui Aizol P Lal Limpui Aizol अब प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन हाउसिंग फॉर ऑल बेनिफिशियरी इज पी लल थानपुई हाउनार शी इज अ सिंगल मदर अर्न्स हर लिविंग बाय वर्किंग एज आंगनवाड़ी हेल्पर नाउ शी हैज अ हाउस ऑफ हर ओन बेनिफिशियरी दंगले चू मिस्टर सोलोमन मांग तिनथांग फुनचोंग प्रमाण पत्र वितरण के लिए माननीय श्री अमित शाह जी और हमारे डिग्निटरीज स्टेज में जो है उन सबको हम शुक्रिया अदा करते हुए अब मैं आदर से उनसे निवेदन करती हूं कि वे इस सभा को संबोधित करें आज के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित पू जोराम थांगा चीफ मिनिस्टर मिजोरम तवन लुया डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मिजोरम लालरिन लियाना स्पीकर मिजोरम लालचम लियाना होम मिनिस्टर मिजोरम डॉक्टर आर ललथंग लियाना हेल्थ मिनिस्टर मिजोरम श्री संदीप पात्रा चेयरमैन भारतीय पर्यटन विकास निगम श्री बुद्धधन चकमा ऑनरेबल एमएलए तुई चवांग श्री एम लाइको सीईओ मारा सदस्य स्वायत्त जिला परिषद डॉक्टर रेणु शर्मा
चीफ सेक्रेटरी मिजोरम, लेफ्टिनेंट जनरल पीसी नायर, डीजीपी असम राइफल, श्री देवेश चंद्र श्रीवास्तव, डीजीपी मिजोरम। और आज के कार्यक्रम में बारिश में भी इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे मिजो भाइयों और बहनों, आप सभी को नमस्कार। वही ना है प्रोग्राम पर मौता का लो लोटेल स्टेज अच्छू चीफ मिनिस्टर जाऊँ तक पुजारम थांगा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पुतान लोया मिजोरम लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर पुरल ललरुन लियाना साई लो होम मिनिस्टर पुलल साम लियाना हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर आलल थंग लियाना संबित पात्रा जी चेयरमैन आई टी डी सी डॉक्टर बी डी चकमा एम एल ए पुलाइको सी एम एम ए डे सी ले हिलाया मिदंग छूते ले मिजो मिबुते जोंग जोंग हेती अंग खोचियत नी रुआ सुरा पो हेती जा दिन लो तेल ही लोम थो का शिल्दू छे वनी। मित्रों आज मिजोरम के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जिसका पूरा मिजोरम वर्षों से राह देख रहा था। और कई बार मुख्यमंत्री जोराम थांगा जी और भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं ने आग्रह से मुझे किया कहा था कि असम राइफल का नया हेडक्वार्टर का आप उद्घाटन कर दीजिए, तो ये महत्वपूर्ण भूमि पर डेवलपमेंट के बहुत सारे काम हो पाए। आज असम राइफल बटालियन हेडक्वार्टर कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हो रहा है, और इसके साथ ही ये जो भूमि है ये मिजोरम के विकास के लिए मिजोरम सरकार को हैंडओवर करने का गृह मंत्रालय, असम सरकार और मिजोरम सरकार ने जो एमओयू किया है, इससे मिजोरम के विकास के रास्ते खुलने वाले हैं। हुन रही तक छंगिन हेलाई मुन ही मिजो मिपुइ ते पोन सीएम ते पोइन बीजेपी पार्टी ते पोइन असन छुवा छुलजिया कन्हे नान रोन थेन थीना हेलाई मुन ही आइजोल खपुइ थंग जेल तुरतान मुन पोइ मो तक अनि छौदोना सुवांगिन एमओयू अंगिन होम मिनिस्ट्री असम राइफल्स मिजोरम सरकार इनकार एमओयू अंगिन हेलाई अन बटालियन हेडक्वार्टर ही अनो कंसर्न दोननी। इसके साथ ही लाल डेंगा लम्बुअल केंद्र का भी शिलान्यास आज यहाँ पर हुआ है। इससे इस क्षेत्र के अंदर एक बहुत अच्छा सांस्कृतिक केंद्र मिलेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। हेलाई मुन ही चंकाई तकिन आइजोल खोपुइ ले मिजोरम मिपुइ तेन अनमंग चंकाई दोना सोन हेलाई मुना हियन ललदेंगा सेंटर कल्चरल सेंटर दिन अनि दोना चुमिलुंग फुम पोचु वइना कनन फुम हालनि। और अलग अलग 11 योजनाओं से 2500 करोड़ रुपए का 2500 करोड़ मिजोरम जैसे छोटे राज्य में आज एक ही दिन में 2500 करोड़ रुपीस के अलग अलग उद्घाटन और शिलान्यास होने जा रहे हैं। भारत सरकार और मिजोरम सरकार दोनों मिजोरम की जनता के सेवा के लिए कटिबद्ध है, इसका ये बहुत बड़ा उदाहरण है। वही ना हियन प्रोजेक्ट सोम पखत वही बेल से सांगनी जंगलाय निखता अलुंग फूम फूम ले अहन्ना कन्नैया हे हियन इंडिया सरकार ले मिजोरम सरकार ही मिपुइतान अन थोक मिपुइतान अन दिंग ती अति लंगचियांग ले अनि। मिजोरम के सर्वांगीण विकास के लिए 4 नई रोड परियोजनाओं का भी शिलान्यास हुआ। फाइलेंग से मारापारा तक, जोरिन पुई से लोंगमासू तक ईपीसी मोड पर आइजोल बाईपास से NH6 का निर्माण और बाईपास पैकेज 3 NH6 का निर्माण कुल मिलाकर लगभग 1200 करोड़ रुपए का रोड बनाने का शिलान्यास हुआ है। इससे मिजोरम के ट्रेड एंड बिजनेस में और मिजोरम और म्यांमार के बिजनेस में भी
बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। मिजोरम मसोना डेवलपमेंट तान वोइना इनकल्पोना प्रोजेक्ट पलीलाई अलुंगफुमना कन्नेया सुंगतेचु फाइलेंग मारपरा रोड सीएम छत्ते जोरिनपुई लोंग बसु नेशनल हाईवे सीएल छत सीएल थरदूर आइजोल बाईपास आइजोल बाईपास रोड एनएच 6 इन लिंक टूर पैकेज 1 ले पैकेज 3 हेंग जोंग जोंग हेंग प्रोजेक्ट पली बेलखोम हि वाइबेल से संखत जति छुवांग अनि हेंग प्रोजेक्ट पली हियन मिजोरम तान मसोन ना अबिक तकिन ट्रेड ले कॉमर्स इन सुम दोन तोन नलमा अथेन का बेसया चुमई बाका मिजोरम ले छेनमरम म्यांमार अपन हेंग प्रोजेक्ट हियन इन सुम दोन तोन तोन नलमा नसा तकिन मा असोन पुई असोन सखथै दोन मिजोरम ले मिसुम मिजोरम मिपुई तेतान मिजोरम राज्य की स्थापना और राज्य का दर्जा प्राप्त होने का 36वां साल है। इस 36 साल में देश के सारे छोटे राज्यों में मिजोरम ने बहुत अच्छी प्रगति की है। मैं मिजोरम के मुख्यमंत्री श्रीमान जोराम थांगा जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। मिजोरम स्टेट अंगा अधीन ही कुमसोम थुम पर कुमसोम थुम पर उगलाई अनितवा हेंग कुमसोम थुम पर उगलता हियन स्टेट ते निमा से मिजोरम चुन कोंग संग संग मसोन ना छतक मसोन ना चकतक अनेया हेंग मसोन ना काई शुवाई तू सरकार काई शुवाई तू सीएम पुजोरम थांगा लोम थू कशिल दुवनी। एक जमाने में यहां संघर्ष था, यहां पर गोलियां चलती थी, बम गिरते जाते थे। उसी जगह पे जोराम थांगा जी आज यहां पर मुख्यमंत्री बने हैं। ये उदाहरण है भारत के लोकतंत्र की सफलता का। और आज मैं पूर्वे नॉर्थ ईस्ट में जो थोड़े बहुत भी संगठन संघर्ष का रास्ता अपनाए हैं उनको अपील करना चाहता हूं कि आइए मेन स्ट्रीम में आइए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बनिए और भारत के और नॉर्थ ईस्ट के विकास के अंदर आपका योगदान दीजिए। मिजोरम ये पूरी दुनिया के सामने लोकतंत्र की विजय का एक अभूतपूर्व उदाहरण है। कुमेंग मजात कलता खचवन चाले हठल मुनते अनिथिना हेलाई मुन गया पुन बमते अनथा खनि हेतियंग मुन चंग हियन पुजोरम थंग हि चीफ मिनिस्टर नि थिया हे हियन मिपुई रो रेलना डेमोक्रेसी अलुसिया अचकजिया अतिलंग चियांग ले अनि चुमि रोल चुवन तुना हियन मारथका हियन इन इन लथंग पोल हेल पोल तिया कन ती मई कृतमे। आज पूरा नॉर्थ ईस्ट शांति स्थिरता और विकास के नए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। वही ना हियन पर आगे बढ़ रहा है। वही ना हियन पुमोदी कई शोई सरकार हियन नॉर्थ ईस्ट हियन रेमना मुन्ना ले मसोन नातान अधिगनी। आज एक जमाने में नॉर्थ ईस्ट में उग्रवादी समूहों द्वारा हिंसा थी, रेड रोड और हवाई संपर्क की कमी थी और डेवलपमेंट का नामो निशान नहीं था। मानलाई सुवन मार थका हियन इन कल्पोना रोड नियमो रेलमो अठलवा चुमई बाका हेलना अतम एमएम थीना डेवलपमेंट पो अथेंग मंगलवनी। और पिछले 9 साल में मोदी जी के प्रयास से, भारत सरकार के प्रयास से और नॉर्थ ईस्ट की जनता के सहयोग से पूर्वोत्तर में हम शांति ला पाए हैं, कनेक्टिविटी बढ़ाई है और भारत के बाकी हिस्सों जितना ही विकास नॉर्थ ईस्ट में करने में हमें सफलता मिली। कुमको कलता चंग खान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इशोई नईन नॉर्थ ईस्टियन कोंग संग इन मसोना अनेया। भारत सरकार समग्र पूर्वोत्तर को विवाद मुक्त, उग्रवाद मुक्त और शांति से युक्त बनाने का प्रयास कर रहा है।
इंडिया सरकार सोन हेलाई मुन ही हेल अबोना मसोना छेन्ना लेकोंग संग संग मसोन बेरनी थुरिन चना लमे कनी मित्रों 2014 के कंपैरिजन में 2021 में हिंसक घटनाओं में 67% कमी आई है सांगनी सोमपली अचंगा सांगनी सोमनी पखत हंते खिनिन हेलना लका थिल सोल छेनना ही जाजेला सोम सोमरुक पसरी न तला हियामनी और सुरक्षा बलों के मृत्यु में 60% की कमी आई है लेहम हुन सुंग हियन सिक्योरिटी फोर्स ते अन 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 बोरल ना अन अन थी नदी में यंग हैं ही जाजेला सुमरुकिन अच्छा नियम नहीं नागरिकों की मौत में 83% की कमी आई है हम हुन सुंग बुक हैं मिपुई मिमिर जाजेला सुमरियत पथुम इन अच्छे में यंग बोरल ना अच्छा नियम नहीं और 2014 से अब तक लगभग 8000 उग्रवादी संगठन के युवा सरेंडर कर मेन स्ट्रीम में आना पसंद किया है और मेन स्ट्रीम में आ चुके साहनी सोम पली अचंग तुन थेंगिन छलाई कल स्वल हेलपोल तेलते मीस सांगरी अचुवंग ही अन हेलन लकचंग छुवकिन मेन स्ट्रीम आन लौलू तनी हमने 2019 में एनएलएफटी के साथ त्रिपुरा में समझौता किया कुम सांगनी सोम पकवा खान एनएलएफटी त्रिपुरा ने इनरेमना कंसियामा 2020 में ब्रू समझौता कर लगभग 37,000 व्यक्तियों को त्रिपुरा में पुनर्वास दिया सांगनी सोम खान ब्रू होते ने इनरेमना सियामिन मी सिंह तुम सांग से रिलाय त्रिपुरा कन सेटल ने 2021 में बोडो समझौता कर असम के अंदर शांति की स्थापना की सांगनी सोमनी पखत खान बोडो होते ने चुतियांग बोकिन रमन सियामिन असम रमनले मोना कन छेनने और 2022 में कार्बी अमलोंग का समझौता कर असम के ऊपरी हिस्से में भी हमने शांति की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए सुथियंग बोकिन सांगनी सोमनी खान कार्बियांगलोंग पो कार्बियांगलोंग तेत नेन पोन इंद्रम नसियामिन असम छाकलामा रमनले मोन लकन छेन तीरनी अब सपा की परिघि में इसके क्षेत्र में लगभग 9 साल में 70% कमी आई है अब सब सिक्योरिटी फोर्सेस स्पेशल एक्ट अफसपा पोही सोम जा सोम सरी जेली ना चाहिए मैंने हमें हुन सुंग यान कुम को कलता खान हमारे प्रधानमंत्री जी नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने 53 times नॉर्थ ईस्ट को विजिट किया है 53 times आने वाले वो सबसे पहले प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यान नॉर्थ ईस्ट ही अंगाई पोई मोआ वो सोमगा पथुम लाई प्राइम मिनिस्टर नी नुआ नॉर्थ ईस्ट ही अरुण जिन तोआ सुथियंग जिन प्राइम मिनिस्टर दंग ही अनलोम लवा नॉर्थ ईस्ट मसाउन नातान नोटिस इन रेमदले मोनना नेजेल नातान कोंगशंग शंग मसोन ने नेजेल तानियन प्राइम मिनिस्टर आइन थियम चतनी मित्रों भारत सरकार के अलग अलग मंत्री 432 बार नॉर्थ ईस्ट की मुलाकात कर चुके हैं सुथियंग बोकिन सेंट्रल मिनिस्टर तेहियन वोई जली सोमथुम पनी लाई नॉर्थ ईस्ट ही अनरोन चोतोनी और पीएम डिवाइन के साथ नॉर्थ ईस्ट के बजट के अंदर 276% की वृद्धि नरेंद्र मोदी सरकार ने की है पीएम डिवाइन आहियन नॉर्थ ईस्ट बजट भी की प्राइम मिनिस्टर हियन जाजेला
zani somsari paruk 276% in atipungani. सभी राजधानियों को, आठों राज्यों की राजधानियों को तीनों प्रकार की कनेक्टिविटी, रेलवे, एयर और रोड की लगभग लगभग 1,76,000 1,76,000 करोड़ रुपए की लागत से हम 2025 के पहले इसको पूरा कर लेंगे. स्टेट पर्याता खोपोई पर्याते ही रेल एयर ले कोंग पुई मंगिन इन कल्पना कनेक्टिविटी सियाम नान हियान नुआई वाइबेल से 176,000 करोड़ सांगनी सोमनी पंगाचें कन मंगदोन नी. मित्रों, मिजोरम में भी विकास की अपार संभावनाएं पड़ी है. पिछले दशक में और विशेषकर जोराम थांगा जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मिजोरम की अर्थव्यवस्था सुधरी है. एक दशक का जीडीपी 12.15% की औसत से एवरेज से बढ़ा है. हेमी हुन छुंग हियन मिजोरम हियन मसोन नतान पोटेंशियल थम तक ओमा हेमी एंटीर न पखछु चीफ मिनिस्टर कई छोय सर सीएम पुजोरम थंगा सरकार कई छोयन आपो हियन कुमसोम छुंग इन जीडीपी हि जाजेला जाजेला सोपन ई पॉइंट नाइन अपुंगनी. मित्रो, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट मिजोरम और म्यांमार को जोड़ेगा. बाद में मिजोरम के अंदर व्यापार की अपार संभावनाएं खड़ी होगी. कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है मिजोरम ले म्यांमार ते अजम दोना हेमी अजो हेमी कंजो फेलनु पेचुआन सुम दोना कोंग संग संग मिजोरम इन मसोना अने थे दोना नी. अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आज लगभग 2,500 करोड़ रुपया की अलग अलग योजनाओं का उद्घाटन और भूमि पूजन हुआ है. नरेंद्र मोदी सरकार मिजोरम के विकास के लिए कटिबद्ध है. यहाँ टूरिज्म, बांबू की खेती, सोलार की जितनी संभावनाएं पड़ी हैं वो सारी संभावनाएं हम एक्सप्लोर करने के लिए भारत सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी. आज मैं मिजोरम की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद देना चाहता हूं. इतने बारिश के मौसम में भी आपने मेरा उष्मापूर्ण स्वागत किया, इसलिए इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करकर मेरी बात को समाप्त करता हूं. भारत माता की जय. अतो बरतान सुवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ईश्वर सरकार ही मिजोरम मसोन ना अतान आइन थियम अदिंगा मिजोरम हियन टूरिज्म आते बंबू आते निजोंग मंग चकना आते हियन लेथिल दंगा एक्सपोर्ट पोटेंशियल पोटेंशियल तम तकनिया हेंग ते ही सेंट्रल सरकार हियन डेवलप दुआ सुबई बाका वोइना खोचे खोचे कार अपन मिशिंग हेति जातिन मिन लो मोका मिन लो लोमा इनचुंग इन जवाई चुंगा लोम थु कसोयनी अति. उनकी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक